माध्यमिक वित्तवीन शिक्षक महासभा की ओर से हम जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 1986 से वित्त व्यवस्था चली आ रही है और वो 2 वर्ष के लिए स्थायी की गई थी, लेकिन अस्थायी रूप से, लेकिन आज तक 32 वर्ष हो चुके हैं, इसका कोई समाधान नहीं हुआ। लगातार धरने प्रदर्शन चले आ रहे हैं और पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने मानदेय दिया था, जिसको योगी आदित्यनाथ सरकार ने बंद कर दिया। उसी के प्रपंच में आज लाखों शिक्षक जंतर मंतर पर उपस्थित हुए हैं और 26 अक्टूबर 2018 से सभी 75 जिलों में एक रैली बहुत अच्छे ढंग से निकाली गई है, जिसे निंदा यात्रा नाम दिया गया था और सभी को बताया गया और आज इसी प्रपंच में सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं जंतर मंतर पर। धन्यवाद। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने शिक्षकों को 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस है उस पर कहा था कि ये आयोग टीचर हैं और पूर्व जन्मों का फल भोगने के लिए इसमें लगे हुए हैं, तो जिससे सभी शिक्षकों ने इसकी निंदा की और इसी के लिए यहाँ इकट्ठा हुए। और माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर जाएंगे, उनसे अपील करते हैं कि इनकी व्यवस्था दुरुस्त की। संघ उत्तर प्रदेश से जो है माध्यमिक वित्तवीन शिक्षक हैं और शिक्षकों की मांग के लिए ही हम जो है यहाँ धरने प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। जो पूर्व सरकार ने गलती तो पूर्व सरकार ने भी की थी, जो उसने जो है बगैर किसी नियम शर्तों के जो शिक्षकों को दिया था वो जो है बगैर नियम शर्तों के दिया था, तो गलती तो उसकी भी थी। अगर वो शर्तों पर आधारित इसे देते तो किसी भी जो है ना तो योगी आदित्यनाथ की जो है क्षमता थी ना किसी दूसरे की थी कि उसने जो है इसे बंद कर देता, गलती तो उनकी थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो इससे भी बड़ी गलती की है, क्योंकि हमने उन्हें वोट जो है इस आशा से दिया था कि जो गलती पूर्व सरकार ने की है वे जो है इस गलती को दुरुस्त करेंगे और इन शिक्षकों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जो है इनके लिए जो है कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन वे जो है इससे भी बढ़कर निकले। उन्होंने जो है सपा सरकार ने जो टुकड़ा वित्तवीन शिक्षकों को फेंका था उन्होंने उसे भी जो है छीन कर खा लिया। तो आप बताइए कि ये ऐसा मुख्यमंत्री क्या उत्तर प्रदेश का जो है विकास करेगा या विनाश करेगा? कॉलेज है, लगभग 20 अध्यापक हैं जो यहाँ सभी उपस्थित हैं और अपनी बात रखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सुबह बस से आए थे और यहाँ पर हम लगभग 11:30 बजे पहुँच गए थे और जब तक व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी यही डट कर मुकाबला करेंगे। सर, इससे पहले आप कहीं धरना प्रदर्शन पर गए थे? लगातार लगातार जा रही हैं, मेरठ में भी गए थे, लखनऊ कई बार गए हैं और जो जनपद लेवल पर होता है उसमें हर बार प्रतिनिधि। नाम राजेश कुमार है, सरोदेंद्र कॉलेज बाबला जिला बागपत से आए हैं। सरकारी स्कूल के अध्यापकों को 50-60 हज़ार रुपये मासिक वेतन देती है और हमें सरकार 1 भी रुपया मासिक वेतन नहीं देती, बच्चों को पढ़वाती है। हमारा यही कहना है योगी सरकार से भी, मोदी सरकार से भी, हमें वित्तवीन अध्यापकों को भी वो अच्छा वेतन दे। सर, जैसे ये सरकार आपकी मांगें पूरी नहीं कर रही है तो इस मान पर आधारित आप आगे कुछ करना चाहेंगे? हम आगे अभी चुनाव आने वाले हैं, हम मोदी सरकार को भी वोट नहीं देंगे और आगे आने वाले भविष्य में योगी को भी हम वोट नहीं देंगे अगर हमारे वो वेतन।